तो गाइज अब आइए हम लोग हर्ट के चित्र को बनाते हैं। तो गाइज पहले स्टेप में हम लोगों को जो हर्ट बनाना है वह कुछ इस शेप में बनाना है। मान लीजिए पहले हम लोगों का हर्ट कुछ इस शेप में बनता है, इस शेप में हम लोगों को हर्ट बनाना है। तो गाइज इस शेप में हर्ट बन गया। अब इसके पश्चात इसका इतना भाग मिटा देते हैं, इसका इतना भाग मिटा दिए गाइज। जब इसका इतना भाग मिटाने के पश्चात अब यहाँ से एक नली का, ये स्टेप टू है, स्टेप टू में यहाँ पे एक नली का ऐसे निर्माण करना है। अब गाइज यहाँ पर एक नली का ऐसे निर्माण हो गया, सुपीरियर वेना कावा इसका नाम है। जस्ट गाइज तीसरे स्टेप में इसके नीचे हम लोग एक नली का निर्माण करते हैं। तो जो इसके नीचे आएगा यहाँ पर आएगा, यहाँ पर हम लोग एक नली का निर्माण करते हैं। अब गाइज नेक्स्ट पोजीशन में हम लोग, जो हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ से हम लोगों को यहाँ से ऐसे एक संरचना का निर्माण करना है, ऐसे ऐसे हो गया। और यहाँ पे तीन प्रकार के ऐसे नलिकाओं को यहाँ पे जोड़ देना है। गाइज इस प्रकार से हो जाएगा। फिर यहाँ से गाइज यहाँ पे आधे से ऐसे करना है और इसके पश्चात यहीं से एक ऐसे सिरा का हम लोगों का निर्माण कर देना है। गाइज ऐसे होगा इस प्रकार से। फिर इसके पश्चात यहीं से ऐसे कर देंगे। गाइज इस प्रकार से हो जाएगा। फिर यहां से एक दो तीन गाइज इसको ऐसे यहां से मिला देंगे। आप गाइज यहां से जो है इसको यहां से ऐसे मिला देंगे, हो गया इस प्रकार की गाइज इसमें संरचना हो गई। इसको यहां से मिला देते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार की संरचना हो गई। तो गाइज अब इस प्रकार की संरचना में हम लोगों को यहाँ पर जो है इसके सीध में यहाँ पर ऐसे तीन नलिका का निर्माण करना है। एक हो गया, फिर इसके सीध में दो हो गया, फिर गाइज इसके सीध में तीन हो गया। गाइज थोड़ा इसको आगे की तरफ बढ़ा देते हैं ताकि पूर्ण रूप से हम लोगों को दिखाई दे। तो गाइज इस प्रकार से हमारे हर्ट की संरचना होती है। अब यहाँ पर जो है ये इसको इस प्रकार से बना देते हैं। गाइज इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं ताकि जो हर्ट का और चेंबर है वो आसानी से दिखाई दे। तो इसको ऐसे बना देंगे। फिर यह जो नली आई है, ये वाली नली, ये वाली जो नली आई है, ये वाली गाइज जो नली आई हुई है, अब इसको इस साइड निकाल देंगे। ये देख लीजिए, मतलब ये नली के पीछे से आई हुई है, यह जो है ये वाली नली या इसके पीछे से आई हुई है, या इसके पीछे से आई हुई है। तो गाइज यह नली इस प्रकार से पूरे शरीर में चला जाएगा, फिर ऐसे इसके पीछे से, और यहाँ से यह नली जो एक इधर चला जाएगा। इसकी संरचना यहाँ से हो जाएगी। गाइज इसके सीध में इसको कुछ इस प्रकार से ऐसे घुमा दीजिए। मान लीजिए ये हो गया हम लोगों का, यहाँ से ऐसे हो गया। ये संरचना और ये संरचना दोनों सेम है, बाकी ये दोनों फुफ्फुसी हैं, ये दोनों फुफ्फुसी पल्मोनरी धमनी है, ये दोनों पल्मोनरी धमनी है। मतलब ये दोनों जा रहे हैं फुफ्फुस की तरफ, फुफ्फुस की तरफ हमारे फेफड़े की तरफ जा रहे हैं। तो गाइज ये हो गया इसकी संरचना। इस प्रकार से हम लोगों का पूरा एक हर्ट का संरचना बन गया गाइज, बिल्कुल आसानी से। तो गाइज इस प्रकार से हमारे हर्ट का संरचना बन गया। तो गाइज अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर द्विअस्तरी कपाट पाया जाएगा, द्विवाल्वी कपाट पाया जाएगा। तो आइए हम लोग यहाँ पर ऐसे कपाट को बना देते हैं। द्विवाल्वी कपाट हो गया।
ये गाइज यहाँ पे ब्लड आएगा तो यह ऐसे आएगा तो यह और नीचे की तरफ जैसे या और ऐसे नीचे की तरफ चला आएगा और यह ऐसे नीचे की तरफ चला आएगा तो यह जो भाग है खुल जाएगा, खुलने के पश्चात ब्लड इसमें प्रवेश कर जाएगा। तो गाइज ब्लड इसमें प्रवेश कर जाएगा तो अब यहाँ पर जो है ऐसे लेकर के जाना है, ऐसे फिर यहाँ से ऐसे फिर इसको ऐसे कर देना है। गाय जो यह हमारा है दाया साइड, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं यह है हम लोगों का राइट और यह है लेफ्ट। तो गाइस जो राइट साइड की दीवारें होती हैं वह थोड़ा पतला होता है। तो गाइस यहाँ की जो दीवारें होंगी वे पतली होंगी और जो इस साइड की दीवारें होंगी वे मोटी होंगी, क्योंकि गाइस यहाँ से जो है ब्लड का फेंकना है, ब्लड को काफ़ी ऊंचाई तक लेकर के जाना है। तो गाइस यह हो गया हम लोगों का। अब यहाँ पर गाइस यहाँ पर जैसे ये यहाँ पर नहीं, यहाँ से होगा, यहाँ इसके इस साइड से, इसके इस साइड से होगा। तो गाइस अब देखिए मान लीजिए यह ऐसे है, ब्लड आएगा ऐसे है, ब्लड आएगा या ऐसे खुल जाएगा फिर ऐसे बंद हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो यह ब्लड को ऊपर जाने नहीं देगा। तो यहाँ से जो है ब्लड ऐसे नीचे आएगा, ब्लड यहाँ से नीचे आने के पश्चात अब इस सिरा में जाएगा, इस सिरा में जाएगा फुफ्फुस की तरफ। तो यहाँ पर जो वाल्व होगा वो ऐसे होगा, जो यहाँ पर वाल्व होगा वो ऐसे होगा। क्यों गाइस ऐसे होगा? जब वाल्व ऐसे रहेगा इसमें ऊपर की तरफ जाना है तो ऐसे खुल जाएगा और जब ब्लड यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, ब्लड नीचे आने की कोशिश करेगा तो यह बंद हो जाएगा। और इसी में गाइस इस प्रकार से इसमें भी इसी प्रकार के वाल्व होंगे, इस प्रकार से इसमें भी वाल्व होंगे। अब गाइस यहाँ पर त्रिवाल्वी, यहाँ पर त्रिवाल्वी का पार्ट पाया जाएगा, यहाँ पर त्रिवाल्वी का पार्ट पाया जाएगा। तो गाइस इस प्रकार से हो गया हमारे हार्ट का फिगर, हमारे हार्ट का चित्र गाइस पूर्ण रूप से बन गया है। अब गाइस आइए हम लोग इसका नाम दे देते हैं। तो यह है सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। और गाइस यहाँ पर हो जाएगा इंटीरियर वेना कावा, इंटीरियर वेना कावा। ये हो गया इंटीरियर वेना कावा, ये हो गया सुपीरियर वेना कावा। और गाइस यह हो गया हम लोगों का राइट एट्रियम, राइट एट्रियम। और यह होगा राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। गाइस यह हो जाएगा दाया निलय, दाया निलय। और यह हो जाएगा दाया आलिंद, यह हो जाएगा दाया आलिंद। और गाइज यहाँ पर ये जो है यह हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम मतलब बाया आलिंद, बाया आलिंद, बाया आलिंद हो जाएगा। और गाइज ये वाला हो जाएगा बाया नीले, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, बाया नीले, बाया नीले। तो गाइज ये हो गया हमारे हार्ट का फिगर और इसका नामकरण। तो गाइज अब ये दो जो ये जो दोनों है इसका नाम हो जाएगा, गाइज ये कहाँ से जाएंगे यहाँ पर ना, तो जो इसका नाम हो जाएगा पल्मोनरी धमनी, मतलब पल्मोनरी, पल्मोनरी। गाइज ये लेफ्ट साइड में है
तो यह लेफ्ट पल्मोनरी होगा, लेफ्ट पल्मोनरी, लेफ्ट पल्मोनरी, लेफ्ट पल्मोनरी गाइस, यह जो हो जाएगा यह हो जाएगा लेफ्ट पल्मोनरी धमनी एरोटा, हिंदी में लिखते हैं गाइस दाया फुफ्फुसी धमनी। और गाइस ये हो जाएगा यहां पे बायां होगा, बायां लेफ्ट है ना, बायां यहां पर हो जाएगा दाया फुफ्फुसी धमनी, दाया फुफ्फुसी, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट ब्रेंटिकल एट्रियम, दाया फुफ्फुसी, फुफ्फुसी धमनी। इसके पश्चात गाइस ये जो दोनों हैं ये हो जाएगा दाया फुफ्फुसी सिरा, लेफ्ट पल्मोनरी वेंस, दाया फुफ्फुसी सिरा, दाया फुफ्फुसी सिरा, लेफ्ट पल्मोनरी वेंस। और गाइस ये हो जाएगा बायां फुफ्फुसी सिरा, बायां फुफ्फुसी सिरा, बायां फुफ्फुसी सिरा। अब गाइस देखिए, जैसे मान लीजिए यह तो इसके पार्ट हो गए, ये हम लोग इसके बारे में जान गए, ये सब इसके पार्ट हैं। अब गाइस यहाँ पर हम लोग देखते हैं जैसे सुपीरियर वेना कावा से कौन सा ब्लड आता है, तो यहाँ से आता है अशुद्ध ब्लड, हम लोग इसको नीले मार्क से दिखा दे रहे हैं, अशुद्ध ब्लड आया यहाँ पर, ये देखिए अशुद्ध ब्लड आया। अब ये जो द्विवाल्वीय स्तर है या इस प्रकार की संरचना है, जब ऊपर से ब्लड पूरा इस पर भार डालेगा तो जो यह है यह ऐसे खुल जाएगा, ऐसे है ब्लड आया, ब्लड आने के पश्चात ऐसे खुल गया, फिर ब्लड ऊपर ना जाने पाए इसके वजह से यह ऊपर जाकर बंद हो जाएगा। तो आप देख लीजिए ब्लड यहाँ से आया और इस प्रकार से चारों तरफ से इसमें फैल गया, ब्लड आया और चारों तरफ से इसमें फैल गया। तो गाय जब ब्लड आया और चारों तरफ से इसमें फैल गया, अब क्या करेगा ब्लड, अब यह जो भाग है यह तो ऐसे है गाइस, या इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से है ना, इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से, ब्लड यहाँ पर ऊपर जाएगा तो यह खुल जाएगा और ब्लड ऊपर चला जाएगा। अगर अब ब्लड नीचे आने की कोशिश करेगा तो ये जो दोनों भाग हैं ये ऐसे आपस में सड़ जाएंगे, ऐसे आपस में सड़ जाएंगे और बंद हो जाएंगे। तो गाइस इस प्रकार से ब्लड ऊपर तो चला जाएगा लेकिन नीचे नहीं आ पाएगा। तो गाइस अब यहाँ से ब्लड गया और ब्लड चला गया शुद्ध होने के लिए, ब्लड जो है वह चला गया शुद्ध होने के लिए बायां फुफ्फुस धमनी, दायां फुफ्फुस धमनी में, बायां फुफ्फुस धमनी और दायां फुफ्फुस धमनी में। तो गाइस जी इस प्रकार से हमारे लंग्स तक चला गया। अब गाइस लंग्स में जो है हमारा ब्लड शुद्ध हो गया क्योंकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन गैस का विनिमय होता है, ऑक्सीजन जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहेगा विनिमय की क्रिया के द्वारा बाहर चला जाएगा और जो हमारा ऑक्सीजन गैस रहेगा इसमें मिक्स हो जाएगा। तो गाइस अब जो हमारा ब्लड है शुद्ध हो गया, अशुद्ध ब्लड इस प्रकार की संरचना से जो है दायां फुफ्फुसी सिरा और गाइस ये है बायां फुफ्फुसी सिरा, इसके द्वारा हमारे हार्ट में आता है। गाइस ये दोनों यहीं से नहीं यहाँ पर आते हैं और यहाँ से मिलने के पश्चात हमारे इस लेफ्ट एट्रियम बाएं आलिंद में खुलते हैं, हमारे लेफ्ट एट्रियम बाएं आलिंद में खुलते हैं, यहाँ पीछे से जुड़े रहते हैं गाइस जिसको हम लोग नहीं दिखा सकते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए पीछे से आप ब्लड आ गया, अब पीछे से हमारा जो है शुद्ध ब्लड इसमें आ गया, पीछे से जो है शुद्ध ब्लड इसमें आ गया, सभी प्रकार से इसमें फैल गया। अब गाइस यह वाल्व इस प्रकार से है मतलब यह इसको नीचे आने देगा लेकिन इसको पुनः वापस नहीं जाने देगा। तो गाइस अब जो ब्लड है इस यहाँ पर त्रिवाल्वी पाया जाता है, गाइस यहाँ पे लिख देते हैं जो दायां आलिंद व दायां निलय होता है इसके बीच में जो होता है यहाँ पर द्विवाल्वी का पार्ट पाया जाता है, यहाँ पर जो होता है यहाँ पर होगा द्विवाल्वी का पार्ट,
वाल्वीय कपाट, द्विवाल्वी कपाट गाइज यहाँ पर हो जाएगा द्विवाल्वी कपाट, और जो यहाँ पर पाया जाता है यह हो जाएगा त्रिवाल्वी कपाट, यहाँ पर जो हो जाएगा यह हो जाएगा त्रिवाल्वी कपाट, त्रिवाल्वी कपाट, त्रिवाल्वी कपाट। तो गाइस अब आप लोग देख रहे हैं ब्लड जो है हमारा यहाँ पर चलाया, अब यहाँ पर आने के पश्चात यहाँ पर इसके पश्चात यह त्रिवाल्वी कपाट खुलेगा और ब्लड आ जाएगा हमारा बाएं नीले में। त्रिवाल्वी कपाट खुला और हमारा जो ब्लड है वह बाएं नीले में आ गया। अब बाएं नीले में आने के पश्चात अब ब्लड ऐसा तो है नहीं केवल यही नीचे रहेगा, अब ब्लड ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा। अब जो है हमारा बाया नीले, इसकी देख रहे हैं दीवारें इतनी मोटी है, इसकी दीवारें पतली हैं, तो जो हमें हमारा बाया नीले प्रेशर मारेगा, प्रेशर के वजह से यह वाला भाग यह देखिए यह इस प्रकार से, मतलब इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से है, इस प्रकार से, तो यहाँ से प्रेशर मारेगा तो यह ऊपर चला जाएगा, लेकिन ऊपर से नीचे आने के जब ऊपर से नीचे आने का कारण बनेगा तो यह वाल्व जो है बंद हो जाएगा। ऐसे यह वाल्व है, नीचे से मारेंगे प्रेशर ऐसे खुल जाएगा, खुल जाएगा, जब ऊपर से कोई चीज़ जब ब्लड नीचे गिरने लगेगा तो ऐसे फाटक को बंद कर लेगा, कपाट को बंद कर लेगा। तो गाइस अब यहाँ से जो है हम लोगों का ब्लड इसमें प्रवेश कर गया, अब इसमें प्रवेश करने के पश्चात अब यह जो है पूरे धमनी के द्वारा, पूरे एरोटा के द्वारा हमारे टोटली शरीर में पूरी तरह फैल जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, शरीर में जाने के पश्चात विभिन्न प्रकार के अंग तंत्रों में, अंग तंत्रों के पश्चात ऊतकों में चला जाएगा, और किसके द्वारा जाएगा, धमनी के द्वारा जाएगा, धमनी के द्वारा। तो गाइस इस प्रकार से फंक्शन हमारे हार्ट का होता है, हमारे शरीर में जो हमारे हार्ट का फंक्शन होता है इस प्रकार से होता है। तो गाइस जैसे आइए यहाँ पर समझ में आ गया होगा, तो आइए हम लोग कुछ और अलग तरीके से समझते हैं। तो गाइस जैसे मान लीजिए हमारे हार्ट का है 4 चैम्बर, या हमारे हार्ट का है 4 चैम्बर, यहाँ पर हम लोगों ने क्या बनाया, दायां, यहाँ पर हमने बनाया दायां, यहाँ पर हो गया बायां, बायां। तो गाइस अब यहां पर हो जाएगा बायां आलिंद, बायां आलिंद, और यहां पर हो जाएगा बायां नीलय। आलिंद गाइस हमेशा रिसीवर का काम करता है और नीलय हमेशा पंप करने का काम करता है। और गाइस यहां पर हो जाएगा दायां आलिंद, दायां आलिंद, यहां पर हो जाएगा दायां नीलय, दायां आलिंद, दायां नीलय। तो गाइज अब देखिए हमारे जो दायां आलिंद है इसमें महाशिरा के द्वारा ब्लड आया, महाशिरा के द्वारा ब्लड आने के पश्चात कपाट के द्वारा इसमें आ गया, अब ब्लड आने के पश्चात कपाट के द्वारा इसमें आ गया, अब इसके द्वारा किसमें आ जाएगा, महाधमनी, महाधमनी ने पल्मोनरी धमनी, यहाँ पर हो जाएगा पल्मोनरी धमनी। तो गाइज जैसे मान लीजिए अब यहाँ से पल्मोनरी धमनी है, पल्मोनरी धमनी इसका क्या नाम हो जाएगा, पल्मोनरी या फुफ्फुसी, फुफ्फुस गाइस हम यहाँ पे दाया वाया नहीं दिखा रहे हैं केवल ऐसे समझा रहे हैं, मान लीजिए यह फुफ्फुसी धमनी है। अब गाइस यहाँ पे दो प्रकार की धमनी है, एक है दाया फुफ्फुसी धमनी, एक है बाया फुफ्फुसी धमनी। तो गाइस अब यहाँ पर देखिए यह फुफ्फुसी धमनी, अब यह फुफ्फुसी धमनी चला जाएगा हमारे जो हमारा क्या है, हमारा लंग्स है, अब यह हमारे हृदय में चला जाएगा। हमारा हृदय कुछ इस प्रकार का होता है, यह हो गया श्वास नली, यह हो गया श्वसनिकाएं, अब श्वसनिका के पश्चात हमारा हार्ट यहाँ पर है, अब जो हमारा हार्ट यहाँ पर है अब यह यहीं पर आया जुड़ा, अब यह जो फुफ्फुसी धमनी यहाँ पर आया जुड़ा तो यहाँ पर ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड गैस का विनिमय होगा, तो यहाँ पर जो ब्लड रहेगा यहाँ फुफ्फुसी धमनी में जो ब्लड रहेगा वह अशुद्ध रहेगा, फुफ्फुसी धमनी में अशुद्ध ब्लड रहेगा, फुफ्फुसी धमनी में अशुद्ध ब्लड रहेगा। अब फुफ्फुसी धमनी में अशुद्ध ब्लड आया, इसके पश्चात हार्ट से जो शुद्ध हुआ, शुद्ध होने के पश्चात कहाँ पर चलाया, बायां आलिंद में चलाया, शुद्ध होने के पश्चात आ गया बायां आलिंद में। अब गाइस यहाँ पर ब्लड हम लोगों का शुद्ध हो गया, हम लोग इसे रेड मार्ग से दिखा देते हैं। अब इस नली का क्या नाम होगा गाइस, इसका तो नाम होगा फुफ्फुसी धमनी, क्योंकि यह अशुद्ध रक्त को लेकर जाता है, और गाइस तो इसका नाम हो जाएगा जो यह लेकर गया, इसका नाम हो जाएगा फुफ्फुसी शिरा, इसका नाम हो जाएगा
फुफ्फुसी शिरा, इसका नाम हो जाएगा फुफ्फुसी शिरा। अब गाइज, अब फुफ्फुसी शिरा के द्वारा जो है शुद्ध ब्लड आया यहाँ पर, अब यहाँ पे त्रिवाल्विक का पार्ट होगा। गाइज आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर इसमें त्रिवाल्विक का पार्ट होगा। अब इसके पश्चात यहाँ पर है बायां आलिंद, यहाँ पर है बायां आलिंद लेफ्ट एट्रियम। अब इसके पश्चात इसको जो या त्रिवाल्विक का पार्ट है, इसकी संरचना ऐसे है तो या इसको पार कर देगा और यहाँ से ब्लड ऊपर नहीं जाने पाएगा, लेकिन ऊपर से नीचे चला आएगा। तो अब जो ब्लड है सब यहाँ से ऐसे नीचे चला आया। नीचे आने के पश्चात अब गाइस यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब यहाँ से जो है, यहाँ से एक नली जुड़ी रहेगी जिसका नाम है धमनी, जिसका नाम है धमनी। अब गाइस यह हम लोगों का क्या है, यह है धमनी, यह है धमनी, यह है धमनी। अब गाइस इस धमनी के द्वारा जो है पूरे शरीर में ब्लड का फ्लो होगा, पूरे शरीर में ब्लड का फ्लो होगा। तो गाइस इस प्रकार से हमारे हार्ट में ब्लड का फ्लो होता है। गाइस सुपीरियर वेना कावा से अशुद्ध ब्लड आएगा, अशुद्ध ब्लड आया इसके पश्चात दायां आलिंद में आया, अशुद्ध ब्लड दायां आलिंद में आया, दायां आलिंद में यहाँ पर द्विवाल्विक कपाट पाया जाता है। इसकी संरचना इस प्रकार से है, इस प्रकार से है कि यह जो है या ब्लड को यहाँ पर एक ऐसे तो है नहीं गाइस कि थोड़ा सा ब्लड आया थोड़ा सा चला गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर इतना ब्लड एकत्रित हुआ, यहाँ पर इतना ब्लड एकत्रित हुआ। अब ब्लड एकत्रित होने के पश्चात जब यहाँ से ब्लड आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर होगा। प्रेशर होने के पश्चात ये वाला भाग खुल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बांधने लायक तो कुछ है नहीं। अब ये भाग खुला, ये भाग खुलने के पश्चात इस प्रकार से होता है कि ऊपर नहीं जा पाएगा ब्लड, हमेशा नीचे आएगा। अब ब्लड यहाँ पर एकत्रित होने लगा। अब इसके पश्चात अब जो निलय है, आप लोग जानते हैं निलय जो होता है पंप का कार्य करता है, क्योंकि अभी मैंने आगे आपको बताया, और जो आलिंद होता है यह रिसीवर का काम करता है। तो निलय इसको पंप करेगा, अब निलय तेजी से पंप करेगा इसको, तो यहाँ पर जो कपाट है उसकी संरचना इस प्रकार है, इस प्रकार है कि ब्लड नीचे से ऊपर चला जाएगा लेकिन ऊपर से नीचे नहीं आ पाएगा। तो गाइस अब यहाँ से ब्लड है यहाँ पर चला गया फुफ्फुस में चला गया। तो गाइस जब आप लोग देखिए, यहाँ से ब्लड आया यहाँ, फिर इसके पश्चात फुफ्फुसी धमनी, यहाँ पर दो धमनी होती है, दाई फुफ्फुसी धमनी बाई फुफ्फुसी धमनी। तो हमने यहाँ पर दाया बाया नहीं दिखाया, केवल एक फुफ्फुसी धमनी दिखाया है। तो अब यहाँ पर फुफ्फुसी धमनी के द्वारा ब्लड चला गया हमारे लंग्स में, हमारे हार्ट में, हमारे फेफड़े में चला गया। अब फेफड़े में ब्लड शुद्ध होने के पश्चात फुफ्फुसी शिरा के द्वारा आ गया बाएं आलिंद में फुफ्फुसी शिरा। तो गाइस अब आप लोग यहाँ पर देखिए, बायां फुफ्फुसी शिरा दायां फुफ्फुसी शिरा दोनों के द्वारा जो है ब्लड आया, यहाँ पीछे मिला रहेगा किस में मिला रहेगा, लेफ्ट एट्रियम बाएं आलिंद में। तो अब जो शुद्ध ब्लड है बाएं आलिंद में आ गया। अब यहाँ पे त्रिवाल्विक कपाट इस प्रकार से बना है कि ब्लड ऊपर से नीचे चला आए लेकिन नीचे से ऊपर ना जाए। तो अब यहाँ से ब्लड इसमें चला आएगा। तो गाइस अब ब्लड इसमें चला आया, तो अब जो बायां निलय है इसकी दीवारें मोटी होती हैं, जो बायां निलय इसकी दीवारें आप लोग देख रहे हैं मोटी होती है। तो अब यह जो दीवारें हैं मोटी हैं, तो अब यह इसे प्रेशर मारेगा, काफ़ी तेज़ी से प्रेशर मारेगा। तो तेज़ी से प्रेशर मारेगा तो जो यह फुफ्फुसी धमनी है इसके द्वारा ब्लड पूरे शरीर में चला जाएगा। तो गाइस इस प्रकार से होता है हमारे हार्ट का कार्य। तो गाइस अब हमारा हार्ट जो होता है, हमारा हार्ट एक धड़कन में, मतलब गाइस धड़कन क्या होगा, जैसे एक हुआ फूला पिचका फूला, एक धड़कन हो गया, एक हार्ट बीट ऐसे पिचका फूला। गाइस आप लोग यहाँ पर अपने हार्ट पे हाथ रख के देखिए, थोड़े ही समय में एक हार्ट बीट हो जाएगा, फूला पिचका, तो इसे एक हार्ट बीट बोलेंगे। तो हमारा जो हार्ट होता है एक हार्ट बीट में, एक धड़कन में जो होता है यह 70 ml ब्लड का फ्लो करता है, 70 ml ब्लड, 70 ml ब्लड का या पंप करता है। तो गाइस एक हार्ट बीट में 70 ml ब्लड का फ्लो किया, तो हमारा हार्ट जो होता है एक मिनट में 72 बार धड़कता है, एक मिनट में 72 हार्ट बीट होता है। तो अब 72 बार, एक मिनट में 72 बार हार्ट बीट हुआ, और हमारा जो हार्ट है एक हार्ट बीट में 70 ml ब्लड का फ्लो किया, तो 72 हार्ट बीट में कितने ml ब्लड का फ्लो करेगा। तो आइए हम लोग इसे गुणा करके निकाल लेते हैं,
72 बार धड़कता है और एक बार में 70 ml ब्लड का फ्लो करता है। तो 0 का गुणा 0, 0, 7 दूनी 14, 4 हाथ में 1, 7 सते 49, 1 50, 2 0 0 7, 7 दूनी 14, 7 सते 49, 49, 1 50। तो गाइज यहाँ पर 0, 4, 0, 5, तो गाइज यहाँ पर 50-40 आ रहा है। तो मतलब हमारा जो हर्ट है, 40 को थोड़ा छोड़ दिए, 5000 लीटर सोचो इतना बड़ा, केवल ऐसे मुट्ठी के आकार का हमारे हर्ट का आकार होता है। हमारा जो हर्ट है एक मिनट में 5000 लीटर नहीं, केवल 5 लीटर, 5000 ml, 5000 ml ब्लड का फ्लो करेगा। 5000 ml ब्लड मतलब एक मिनट में 5 लीटर ब्लड का फ्लो करता है हमारा हार्ट। एक मिनट में 5 लीटर ब्लड का फ्लो करता है। एक हार्ट बीट में, एक धड़कन में 70 ml, तो 72 बार धड़कता है। तो ऐसा तो है नहीं एकाएक पूरा ब्लड का फ्लो कर देगा हमारा ब्लड ही, हमारा जो हार्ट ही है वही फट जाएगा। आराम आराम करता है, एक हार्ट बीट में 70 ml, फिर एक हार्ट बीट में 70 ml, फिर एक हार्ट बीट में 70 ml। तो इस प्रकार से यह हमारा हार्ट एक मिनट में 72 बार धड़कता है, और 72 बार धड़कने की वजह से यह 500 ml मतलब 5 लीटर ब्लड का फ्लो करता है हमारा हार्ट। और गाइस हार्ट का आकार केवल छोटा सा होता है, मुट्ठी नुमा इसकी संरचना होती है। हमारा हार्ट दोनों फुफ्फुस के छोटे, दोनों जैसे, अब गाइस यहाँ पर दोनों तरफ फेफड़ा होगा, इसी के छोटे भाग में स्थित होता है। तो गाइस इसी प्रकार से यह छोटी छोटी नलिकाएं ऊपर जाकर जुड़ी रहती हैं, ज़्यादा लंबा नहीं होता है। गाइस आप लोग इस प्रकार से देख लिए कि इस प्रकार से ब्लड का फ्लो होता है हमारे शरीर में, हमारा हार्ट इस प्रकार से कार्य करता है। तो गाइस वीडियो आपको समझ में आया ही होगा, और हमारा हार्ट 5 लीटर ब्लड का फ्लो करता है एक मिनट में। तो गाइस इस प्रकार से हमारा हार्ट कार्य करता है। तो आई होप वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर वीडियो में आपको जो नहीं समझ में आया आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो आपके कमेंट को पढ़ करके उसमें जो डाउट होंगे उसको आउट किया जाएगा। तो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।